परी कहाँ है भाई साहब? परी मुझे नहीं पता परी कहाँ है। क्यों आपके साथ नहीं गई थी परी? नहीं 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 परी तो तभी आ गई थी। ये मेरा बिट्टो, मेरा बिट्टो कोने में छुप के बैठता है, मुझे डराता है हमेशा। इसलिए बताते हैं आपको, पता भी नहीं चलता है एकदम फिक्स बैठी मेरी। आपको दिखी नहीं इतनी देर से? आपको दिखी नहीं इतनी देर से? नहीं मैंने नहीं देखा बिट्टो को मेरे। इतनी देर से छुपी बैठी है वहाँ पे। मैंने अपने बिट्टो को नहीं देखा भाई, बिट्टो तो अब दिखाई दिया मुझे अपना। कल चलोगे परसों? चलोगे परसों? परसों खाने 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 पेट हम पेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों ने अभी देखा कि परी अपने ताऊजी से कैसे छिप रही थी। तो परी और शौर्य की शुरू से आदत है, जब भी इनके ताऊजी आते हैं ना तो ये छिप जाते हैं। तो फिर इनके ताऊजी इनको ढूंढते हैं। और इन लोगों में ना रामलीला में ना मतलब दशहरा वाले दिन झूला झूलने की तैयारी हो रही थी। वो पूछ रहे थे अपने ताऊजी से कि कहाँ पर झूला झुलाने के लिए ले जाओगे। तो वो कह रहे थे कि बेटा दशहरा वाले दिन थोड़ा सा भीड़ होगी, तो तुम्हें ना मैं दशहरा के अगले दिन घुमाने ले चलूँगा और वैसे ही आसपास में देखेंगे, क्योंकि दशहरा वाले दिन ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो कह रहे थे कि मैं अगले दिन तुमको झूला झुलाने के लिए ले चलूँगा। और सच में जो परी शौर्य के ताऊजी है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब से मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ, ये परी शौर्य के ना रियल ताऊजी नहीं है। मतलब जो मतलब हमारे जो हस्बैंड थे वो दो ही भाई थे, लेकिन ये मेरे जो हस्बैंड थे ना उनके दोस्त थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तों से भी ज़्यादा कई भड़कर होते हैं। जब से मेरे हस्बैंड गए ना, मतलब मेरे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना बच्चों को, तो इतना डांटते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा, और मुझे भी हमेशा एक बेटी जैसा ही मानते हैं। तो सच में मेरे लिए तो ना ये एक मेरे लिए ना एक पिता की उम्र मतलब पिता जैसे हैं। और मैं अगर बच्चों को डांटूंगी ना, तो मुझे भी प्यार से बोलते हैं कि बेटा बच्चों को कभी इतना मत डांटा करो। और बच्चे प्यार से समझते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो सच में शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा जो इस जन्म में ये पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ना बर्तन वगैरह धो दिए थे और यहाँ दूध गर्म कर रही थी, मट्ठे के आलू की सब्जी बनाऊँगी। और यहाँ पर चिप्स भूनने के लिए बोला था ना, तो मैंने चिप्स भून दिए हैं। तो बस ये लास्ट है, चिप्स हमारे यहाँ चिप्स खत्म होने वाले हैं। मट्ठे के आलू की सब्जी मैंने छोंक दी है, तो इसके बाद ना मुझे कहीं जाना है, वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पे मट्ठे के आलू के लिए मैंने थोड़ी सी मेथी, जीरा और हींग निकाल ली, क्योंकि अभी लहसुन प्याज इन सब चीज़ों का तो मिर्च यूज़ किसी भी सब्जी में नहीं हो रहा। वैसे भी मट्ठे के आलू में तो ये सब चीज़ें नहीं पड़ती हैं। तो बस मट्ठे के आलू की सब्जी छोंक के आटा लगा के रोटियाँ भी सेक दूंगी मैं, फिर उसके बाद जाऊँगी। आज बच्चों को लेके मैं कहीं जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना मुझसे बहुत दिन से बोल रहे हैं कि मम्मी चलो, बच्चों का मन करता है घूमने फिरने का। और जो परी शौर्य के अभी ताऊ जी है ना, तो ये भी आजकल ना काम पे जाते हैं, तो इनको भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं ही बच्चों को घुमा के लाती हूँ। तो कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो हमारे मट्ठे के आलू की सब्जी छुक गई है, और मट्ठे के आलू छोंक तो दिए थे, लेकिन मट्ठा बहुत ज़्यादा खट्टा था ना, खट्टे ही चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बाकी सब घर में खा लेते हैं, पर मैं नहीं खाती। और उसके बाद ये देखिए हम आ गए हैं, कहाँ आए हैं वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पर अभी ना थोड़े ही लोग आए हुए थे, अभी थोड़ी बहुत देर में ना बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो आज हम लोग आए हुए थे रामलीला देखने के लिए, तो यहाँ पे हमारी गली के काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। शौर्य भी आया है, परी भी आई है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को घुमा लाते हैं, बहुत दिनों से।
Thank you.